को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे एक्सेल के अंदर। तो हम बात करते हैं एक्सेल वीवीए फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स, क्योंकि हम जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं वो हमेशा मॉड्यूल्स पे ही करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स पे जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट के लिए हम जो मैक्रोज के लिए हम यहाँ पे शब लिखते हैं ना, शब। फंक्शन के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन। और फंक्शन का नाम जो भी लिखना चाहते हो आप, फिर उनके इनपुट। तो बेसिकली अब हम करना है क्या चाहते हैं फंक्शन में वो पहले देख लीजिए। तो सिंपल सा मान ले, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो नंबर्स दी हुई है इनको आपस में जोड़ दूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फंक्शंस, और जैसे कि मैंने लिख दिया सम डिजिट डी, ब्रैकेट ओपन, एन एज ए लॉन्ग कर दीजिए या वेरिएंट कर दीजिए। तो क्या हुआ कि फंक्शन डिक्लेयर किया, ये आपका फंक्शन नेम हो गया, ये आपके फंक्शन के इनपुट हो गए। जब मैं यहाँ पे करूँगा कि सम, जी पिक्चर नहीं आ रहा है, हो रखा है अब, ठीक है। शम, बाकी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? जयदेव जी दिक्कत हो रही है क्या आपकी स्क्रीन में? तो शम डी, और जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये B3 का जो रिजल्ट है, ये B3 का रिजल्ट जो है किस पे चला जाएगा, वो N पे चला जाएगा। तो B3 का रिजल्ट किस पे जाएगा, N पे जाएगा। तो जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल्स डालते हैं, वो वेरिएबल्स जो है वो क्या होता है कि जो हम फंक्शन का इनपुट होता है उस इनपुट को कॉल करता है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, आपस में सम करना है, तो मुझे यहाँ पे लूप लगाने पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लूप लगाएंगे कि 4i=1 to लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ जो भी है n डाल दें। कंप्लीट लेंथ i=1 to लेंथ, उसके बाद मुझे क्या करना है, सबको प्लस करना है। तो इसमें करेंगे हम d=, या फिर d को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं कि dim d एज ए नंबर, नंबर नहीं एज ए हम कर देते हैं लॉन्ग। फिर करते हैं यहाँ पे कि d=, mid 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 ब्रैकेट ओपन किए और इसमें लिखा d, i, 1। लेकिन ये बस स्टोर होगा, लेकिन मुझे प्लस करना है, तो d=d+। देन यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट i, और आपका फंक्शन जो नीचे आएगा उसमें सम d=d। क्या होता है फंक्शन के जो तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। कैसे लगो सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सौरभ जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो सौरभ जी, सौरभ जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको इस पे कंप्यूटर पीसी पे? पीसी पे आ रही है लेकिन बहुत स्लो है सर, सुनाई नहीं दे रहा है, काफ़ी स्लो है। आपने कुछ डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं लगा रखा है?
कुछ डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं लगा रखा आपने? ना कुछ नहीं है, सब ऑफ कर रखा है। ओके, तो इसमें देखिए स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन होगा, उसको आप कर लीजिए एक बार। अच्छा उसी में उसमें मोर है। ऑप्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पे दिखेगा स्विच टू हाँ डेस्कटॉप वर्जन, ओके तो आप कर दीजिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और बेसिकली आपका जो ये है ना वेब ब्राउजर है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, मैं वो ठीक इंस्टॉल कर है, लूँगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले फंक्शंस किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, आफ्टर देन मैंने इसको कैलकुलेट किया, देन मैं वापस रीअसाइन किया, मतलब कि विजुअल किया, मतलब जब तक फंक्शन के नेम पे आपको फाइनल रिजल्ट नहीं डालोगे बाहर नहीं आए। तो बाहर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सम डी और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो रिजल्ट मेरे सामने है, रिजल्ट सम डी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिट का फंक्शन लगाया है। मिट का फंक्शन क्या करता है, कि जो रिटर्न करता है, रिटर्न क्या करता है, एज ए टेक्स्ट करता है। तो टेक्स्ट में हम जानते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई बाई वन कर देता हूं, देन मेरा रिजल्ट सही आएगा। एन एज लॉन्ग फोर आई हेलो हेलो। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? ओके, हाँ क्लियर है सर। अब यहाँ पे क्या है, मिड डी आई फोर सम डी इक्वल टू डी, तो मैंने यहाँ पे सम डी का नाम फॉर्मूला लगाया, इसमें डी थ्री सिलेक्ट कर लिया, तो रिजल्ट क्यों यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कहाँ इक्वल टू वन, यहाँ पे नहीं, ऐसे है नहीं। हमने बोला फंक्शन सम डी एज ए लॉन्ग, हमने डिक्लेयर किया डीम डी एज ए लॉन्ग, फिर हमने बोला फोर आई इक्वल टू वन टू, चले इसकी कंप्लीट लेंथ जो है उससे, जितने डिजिट नंबर ऑफ डिजिट है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे डी इक्वल टू डी है उसमें प्लस हो जाए कौन सा मिड, अच्छा ओके सॉरी, ये डी से नहीं, मुझे यहाँ एन से अलग करना है ना, यहाँ पे गलती, एन से अलग करें। और मिड क्या करता है, नंबर देता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हमने वन किया, वन किया तो यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई, तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ आ गया। तो यहाँ पे सम डी का फॉर्मूला लगाया और हमने सेलेक्ट कर लिया ए, फिर भी एरर। एन एज लॉन्ग फोर डिजिट में क्या दिखा रहा है, नंबर दे रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि एक क्या कर रहा है, मोर देन थ्री डिजिट में शो कर रहा है, 5 4 9 6 3 9 9 18 से दिखा रहा है। डी यहाँ पे हमने लिखा है फोर आई इज वन इक्वल टू लेन
जो लेंथ होगा उस लेंथ की आई, फिर मेरा डी को डी प्लस मीन एन में से आई को अलग करेगा वन बाई वन और इसको प्लस करते चले जाएगा, लास्ट में डी को स्टोर कर देगा। अब सही है, ठीक है। चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल मेरे पास ये है कि अब मैं कुछ ऑफिस, एक तो छोटी मोटी चीजें मैंने बताया कि हाउ कैन क्रिएट मतलब कि फंक्शंस, अब मुझे एक और फंक्शंस क्रिएट करने हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं स्टार्ट डेट डालता हूँ, ठीक है, और कोई एंड डेट डालता हूँ, मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच में नेटवर्क डेज क्या है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल नेटवर्क डेज लगा देते हैं, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। लेकिन मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर डेट के बीच में नंबर ऑफ संडे कौन कितने दिन था, ठीक है ना, नंबर ऑफ संडे कितने दिन था। तो मुझे जस्ट कैलकुलेट करना है कि बिटवीन टू डेट्स नंबर ऑफ पर्टिकुलर डेज कि काउंट क्या है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि एक्सेल के अंदर में फॉर्मूले नहीं है, एक्सेल के अंदर में इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इसके लिए हम वीवीए के फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। तो चलिए, तो मॉड्यूल्स में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे हम फंक्शन, फंक्शन में यहाँ पे सॉरी फंक्शन में एफ होगा, माफ कीजिएगा थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ मैं, फंक्शंस। उसके बाद फंक्शन नेम, तो मैं लिख दिया सी डेट, मतलब कि काउंट डेट्स। फंक्शन नेम अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी रख सकता हूँ, और ब्रैकेट ओपन में आपको इनपुट्स की भाई फॉर्मूले में इनपुट क्या क्या दोगे। तो इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं, इनपुट दे रहा हूँ स्टार्ट डेट एंड डेट और यहाँ पे डेट। तो मैंने बोल दिया स्टार्ट डेट एस डी कॉमा एंड डेट ई डी एज ए, हमने बोल दिया डेट क्या है, एक डेट है। ठीक है, और कॉमा यहां पे करते हैं हम जो डे है डी एज ए, फंक्शन क्या गया, फंक्शन नेम मैंने सी डी डाल, सी डेट। सी डेट नाम का फॉर्मूला ऑलरेडी है, माफ करना, सी डेट नाम का ऑलरेडी है, चेंज डेट है, बाय जो फॉर्मूला ऑलरेडी बने हैं आप उसका नाम नहीं दे सकते, तो सी डेट चेंज डेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बनाया सी डी, जो सी डी फॉर्मूला बनेगा इक्वल हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे सी डी नाम का फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया। इसमें हम डालेंगे यहाँ पे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड यहाँ पे वीक। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो बी सिक्स की वैल्यू मतलब 1 जनवरी है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, वो एस डी पे स्टोर हो गए। दूसरा जो सी डी है सी सिक्स की वैल्यू किस पे, ई वी पे एंड डेट पे आ गए, और जो संडे है वो कहाँ चले गए, डी सिक्स की वैल्यू पे स्टोर हो गई। ठीक है, तो जानते हैं हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा डेट होता है एक तरह से नंबर होता है, नंबर होता है वो डेज होता है। तो यहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं कि फोर आई इक्वल टू एस डी टू ई डी, मतलब कि स्टार्ट डेट टू एंड डेट चले। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक करना है कि संडे है कि नहीं, काउंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे
कि डिम डब्ल्यू डी एज ए बिग डे, एज ए मैंने स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग नंबर एक टेक्स्ट है, इसलिए हमने वहां पे दे दिया। हाँ, टेक्स्ट के लिए होता है ना स्ट्रिंग। तो यहां पे हम यहां पे करेंगे वी डी इक्वल टू, मुझे पता करना है ना कि जो डेट है, क्योंकि मैं करना चाहता हूं जो डेट डालता हूं मैं हर एक डेट का डे चेक कर रहा हूं, तो डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं वीडी पे डे कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके लिए मान लीजिए कि कोई डेट लिखा हुआ है, तो उस डेट में मान लो कि हमने यहाँ पे मान लो आज का ही डेट डाल दिया, तो मुझे पता करना है कि इस डेट पे कौन सा दिन है। तो उसके लिए हम जस्ट टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल में, टेक्स्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं डी 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 डी, तीन बार डी डी तो आ जाता है मंडे। तो सेम इसी तरह, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला वी वी ए का सपोर्ट तो नहीं करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट। तो टेक्स्ट जो है फॉर्मेट के रूप में यहाँ सपोर्ट करता है, तो आई कॉमा इन्वर्टर कॉमा में डाल दूंगा तीन बार डी, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगा कि इफ डी डी इज इक्वल टू संडे, या फिर जो डी है डी, देन ऐसा हुआ तो एक और वेरिएबल हमें काउंट के नाम से डिम सी एज ए, हमने यहाँ पे इंटीजर दे देते या फिर और भी कुछ दे सकते। तो इफ अगर अगर दोनों जो हम डेट तक जो हम डेट यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं, अगर वही डेट वी डी पे स्टोर होती है तो क्या करें, सी इक्वल टू सी प्लस वन, और यहाँ पे नहीं होती है तो यहाँ पे एंड इफ, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई। तो क्या हुआ कि जो हमने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किस पे स्टोर है, सी पे स्टोर है। तो फंक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, सी होगा। यहां पे मैंने बोल दिया कि सी डी इक्वल टू वी डी, वी डी नाम पे सी, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको लगाया हमने फॉर्मूला को, तो रिजल्ट आ गया 16, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इस पे डेज जो है संडे जो है 1 जनवरी 2015 से लेके 20 अप्रैल 2015 तक 16 है। तो हमने यहाँ से ढूंढा, तो इसको हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते क्या हुआ। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम डिक्लेयर किया और फंक्शन के इनपुट डिक्लेयर किए। हमने दो सपोर्टिंग डेटा टाइप लिया ताकि कैलकुलेशन हो सके, क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करनी चाहिए होता है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते हैं, सेम इस तरह से। फिर मैं लिखा कि फोर आई इक्वल टू स्टार्ट डेट टू एंड डे, क्योंकि नंबर्स होते हैं, हमने क्या होता है कि हमें मुझे नंबर देना होता है 1 से 10, 1 से 25, 25 से 40, 40 से 50, ऐसे देना होता है कि लूप जो चल रहा है कितना बार चल रहा है। तो एस डी टू ई डी, फिर मैंने बोला कि चेक किया। अब इसको अगर मैनुअली मैं समझाऊँ, अगर आपको वी वी यूज ना करता, मैनुअली आपको करना पड़ता तो कैसे करते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करते, कंप्लीट जो है 1 से लेके 20 अप्रैल तक का डेट लिखते, ठीक है। फिर हर डेट का यहां पे क्या निकालते, डे निकालते, टेक्स्ट डी 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 डी, और फिर हम चेक करते इफ कंडीशन से कि इफ दैट इक्वल टू संडे, संडे यहां पे है तो 1 आए, वरना यहां पे 0 है, ठीक है। देन इन सबको मैं सम कर लेता, तो सेम मेथड हमने यहां पे किया। तो ये सारा मेथड जो हुआ कहां पे हुआ, लूप के अंदर हुआ। तो क्या हुआ, I हो गया, I को मैं स्टार्टिंग एंडिंग हो गया, तो जो एक एक डेट है ना, एक एक डेट किस पे स्टोर हो गया, I पे स्टोर हो गया। I ने यहाँ फॉर्मेट को दिया, फॉर्मेट में इसका डे निकाल के इस पे स्टोर किया, इसने चेक किया क्या संडे, जैसे यहाँ पे इफ चेक कर रहा है, अगर संडे हुआ तो C पे एक स्टोर कर दिया, C इक्वल टू C को एक इंक्रीज कर दिया, और I इसी काम को रिपीट किया कहाँ तक, एक यहाँ
एक जनवरी से 20 अप्रैल तक, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बार रिपीट हुआ, रिपीट हुआ 110 बार। किसी को डाउट इस फॉर्मूले में? तो पहले सैटरडे काउंट करो, फिर संडे काउंट कर लो। यहाँ एफ डायनेमिक हो गया ना, फिर सैटरडे संडे फिक्स हो जाएगा ना फिर तो। हाँ ये इसमें अलग अलग हो गया कि आप संडे कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे सैटरडे डालता हूँ तो फिर सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि वीवीए के अंदर में के जो लूप होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव, बड़े छोटे का फर्क होता है। तो ये जो फॉर्मेट जो डेट निकालता है, जो फॉर्मेट जो आपका डेट मैंने डेज देगा वो इस तरह से देगा, इस तरह से। और आपने सेम डाला तो आपका मैच होगा, नहीं डाला तो मैच नहीं होगा। तो इसको अगर केन सेंसिटिव रखना है तो ठीक है, अगर केन सेंसिटिव अगर नहीं रखना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या करो, आप यू केस लगा दो, यू केस, यू केस। अब दिक्कत नहीं होगी इसमें। सॉरी हमने गलत कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ नहीं करना था। क्या हो रहा है आज मुझे? यू केस क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे करना है यू केस ब्रैकेट ओपन यहाँ पे क्लोज, देन यहाँ पे यू केस ब्रैकेट ओपन इसके अंदर ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे मुझे पता करना है कि जो डेट हम डाल रहे हैं तो ऐसे डेट की जो चीज़ें हैं पता कर सकते हैं क्या? अब चलिए इस पर कोई अलग चीज़ हम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप की। जैसे कि यहाँ एक डेटा, अगर चार शीटों पे डेटा लगा हुआ है, अब मुझे यहाँ पे जो है डेटा डेटा यहाँ हुआ, जरूरी नहीं कि डेटा जो है तीनों शीट से कहीं से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या इतना लंबा फॉर्मूला लिखते हैं मल्टी शीट वी लुकअप का? ये तो तीन शीट से हुआ, चार पांच बहुत ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे जो है इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ मूव और कॉपी और क्रिएट कॉपी चला जाता हूँ न्यू वर्कबुक। ठीक है, वापस इसको भी करता हूँ मूव एंड कॉपी, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी और मैंने दे दिया बुक टू, बुक फोर में मूव टू एंड। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो मैं लगाऊं तो जिस सीट में लगाता हूं उससे पहले जितने भी सीट्स हैं ना उसमें वी लुकअप लग जाए और उसका डेटा यहां पे शो कर दे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये है हमारा, इंसर्ट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को इंसर्ट करते, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही यहाँ पे हो जाए, ये होगा फंक्शन, हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, फंक्शंस ऑल वी लुकअप के नाम से बनाते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें जो डेटा होगा क्या होगा, एन एज ए वेरिएबल और कॉमा कॉलम एज ए इंटीजर, मतलब कि मैं जब लगाऊंगा यहां पे तो मैं यहां पे दूंगा एन ए वी लुकअप, ए वी लुकअप का नाम का फॉर्मूला आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने बोला कि मुझे सबका तीसरा नंबर कॉलम चाहिए, यहाँ तीसरा नंबर
ये नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा लूप कि फोर आई इक्वल टू वन टू चले कहाँ तक, शीट्स डॉट काउंट माइनस वन। क्यों माइनस वन क्या किया, क्योंकि एक जो सीट है ऑलरेडी है हमारा, इसलिए हमने सीट फोर तक ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा ये हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है सबका ये निकालना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ dim result r as a variant, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है इसलिए वेरियंट ले लिया मैंने। r इक्वल टू, अब वी लुकअप डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, जो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट VBA को नहीं करता है उसके लिए क्या करते हैं हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप लगाते हैं। सेम एक्सेल की तरह इसको चाहिए आर्गुमेंट, किसको ढूंढना है तो एन को ढूंढना है, किसमें ढूंढना है तो मैंने बोला कि शीट्स, शीट्स में मैंने बोला आई, आई में बोला मैंने रेंज, रेंज में मैंने बोला कि ए से लेके एजे तक, ऐसे लंबा दे दीजिए आप। उसके बाद क्या करना है तो सी कॉलम नंबर कौन सी, सी चाहिए, और चौथा जीरो मैंने एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे मैंने बोल दिया नेक्स्ट आई, और जैसे मिल ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ ए वी लुकअप इक्वल टू आर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर जो डेटा नहीं, वी लुकअप क्या करता है, अगर वी लुकअप के रिजल्ट मैच करता है तो विल बी रिटर्न जीरो नंबर्स, और नहीं मिलता है तो एरर्स, तो एरर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो यहीं पे एरर को रोकने के लिए मैंने बोल दिया कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब कि जब एरर आए तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। चलिए करते हैं, आ गया ने। तो ये मल्टी शीट वी लुकअप क्या हुआ कि जितने भी शीट्स में डेटा होगा पहले पहले में चेक करेगा, पहला ना मिलेगा दूसरे में चेक करेगा, दूसरा ना तीसरे चौथा पांचवा ऐसे चेक करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पहला में भी हुआ, दूसरे में भी हुआ, तीसरे में भी हुआ, चौथा में भी हुआ, तो ये क्या करेगा, चौथा का रिजल्ट शो करेगा, पहला का नहीं शो करेगा। जनरली वी लुकअप पहला शो करता है ना, इसमें चौथा शो करेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि इस पर अप्लाई रिजल्ट अप्लाई करते चले जाओ, तो क्या होगा कि इसको रिप्लेस करते चले जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा वी लुकअप बनाना कि चारों में डेटा जहाँ जहाँ भी, जैसे चारों नहीं मैं इसी की बात करता हूँ, नेम एंड क्वांटिटी ले लेता हूँ यहाँ से मैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पुनीत को लुकअप करूँ नॉर्मली तो क्या होता है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी मुझे लुकअप करना है तो जनरली 43 आता है ना, मुझे चाहिए कि 43 के अलावा, अब यहाँ पे नीचे भी ये पुनीत है तो जितने भी पुनीत है ना सबका कॉमा कॉमा करके आ जाए इस तरह से, तो 43 कॉमा 76 कॉमा 28 इस तरीके से, जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम वीवी यूज करेंगे, तो वी में चलिए आए फंक्शन डिप्ले करते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे दिया मैंने, और मैंने बोल दिया एम लुकअप ब्रैकेट ओपन एन एज ए हमने बोला वेरिएंट, और इसमें मुझे रेंज देना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया आर एज ए रेंज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया सी एज ए कॉल इंटीजर, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं। और इसमें लूप, इसमें भी आपको इसमें हम वी लुकअप नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, इसमें वी लुकअप नहीं लगेगा, वी लुकअप लगेगा तो एक ही दिखेगा ना। तो
इसमें हमें लगाना होगा कंडीशंस। तो इसमें हम करेंगे कि फोर इच, यहाँ पे आप ऊपर में एक और देना पड़ेगा कि डिम आर एज ए, आर तो ऑलरेडी है, आर वन कर देते हैं। आर एन एज ए हमने यहाँ पे कर दिया रेंज। फिर यहाँ देता हूँ कि फोर इच आर वन इन आर, जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि इफ यू केश एन इक्वल टू यू केश आर वन डॉट वैल्यू देन आर डॉट ऑफसेट सी कॉमा सॉरी जीरो रो सी कॉलन डॉट वैल्यू किस पे स्टोर हो, तो मान लीजिए एक आर डी, आर डी इक्वल टू आर डी के साथ हम कॉनकैटेनेट लगाते हैं यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट आर वन एंड द लास्ट में एम लुकअप जो है इक्वल टू आर डी हो जाएगा रिजल्ट स्टोर करने के लिए ना, क्योंकि हमें कॉनकैटेनेट करना है ना, तो लूप जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एम लुकअप, एक बार टेस्ट कर लेते हैं एम लुकअप, इसको सेलेक्ट किया और हमने अपना रेंज, यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट करेंगे पूरा रेंज नहीं, सिर्फ जो मैच करना है उसको सेलेक्ट करना है। और मैंने कॉलम यहाँ पे जो निर्णय देना है, दूसरा कॉलम चाहिए ना, यहाँ पे वन करना पड़ेगा क्योंकि जीरो से ऑप्शन स्टार्ट होता है ना, इसलिए रिजल्ट एरर आया। इफ यू केस एन जो वेरिएंट है सही है इक्वल टू यू केस डॉट आर डॉट वैल्यू देन आर डी इक्वल टू आर डी के साथ कॉमा के साथ कन्वर्ट किया आर ओ सॉरी यहाँ पे आर वन डॉट ऑफसेट आएगा, ये गलती हो गई। आया, जितने भी नंबर्स भी मिले इसको सबको इसने कॉनकैटेनेट कर दिया, 1800 नंबर है इसलिए। अब मैं छोटा करूँ थोड़ा सा, एक काम करता हूँ छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये छोटा ही हो गया ना, ठीक है। लेकिन इसमें देख लो आगे एक जो है कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, हम यहाँ पे करेंगे आर डी इक्वल टू राइट, राइट को मैंने बोला कि मुझे आर डी से अलग करने हैं, इसकी कंप्लीट लेन इक्वल टू आर डी माइनस वन, ठीक है, और एंटर मार दो, हट गया कॉमा। तो आप एक्सेल वीवीए फंक्शंस यूज करके इस तरह के जो चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, जो लेंथी फार्मूला को सॉर्ट करता है, आप बना सकते हो। तो बहुत सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज यहाँ पे आपके एक्सेल में जो चीज अवेलेबल नहीं है, उस चीज को आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप लोग बताइए कोई डाउट है इस आज के क्वेश्चन से, तो प्लीज़ आज आप लोग क्या कीजिए, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ,
जहाँ पे एक्सेल वीवीए फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शन है, इसके अपने फॉर्मेट स्टार्ट किया, यूके से स्टार्ट किया, लगाया, ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे। उस वेबसाइट को आज स्टडी कीजिए, ठीक है। कल हम और आगे जो है फंक्शंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और इसके और जो वीवीए इनबिल्ट फंक्शंस है वो फंक्शंस के बारे में हम आपके साथ जिक्र करेंगे। ये चीज़ मैं आपको मेल कर देता हूँ, आपकी मेल आईडी पे लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे और कल हम इस पे और आगे चीज करेंगे। और ये जो आज की सेशन है इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको कल सुबह तक भेज दूंगा।